बच्चे बहुत टाइम से पढ़ रहे हैं, उनके लिए इन सभी चीज़ों को अडेप्ट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अगर आप 3-4 साल से पढ़ रहे हैं तो आप एक सर्टेन सिलेबस आप यूज टू हो चुके हैं उसको। हेलो एवरीवन, दिस इज निव्या भुवन, वेलकम टू बीइंग बैंकर विद निव्या। गाइस, बैंक एग्जाम्स के लिए अभी बहुत टाइम से बच्चे जो हैं वो वेट कर रहे थे सीईटी कब आएगा, एंड फाइनली कल और आज दो दिनों में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफ़ी सारी नोटिफिकेशन जारी कर दी है सीईटी से रिलेटेड। सो बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न भी है, काफ़ी सारे टर्म्स ऐसे यूज़ किए गए हैं जिसमें बच्चे कन्फ्यूज़ हो गए हैं। सो आई एम हेयर टू सॉल्व ऑल योर डाउट्स। मैं आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर यहाँ पे करने वाली हूँ। सीईटी क्या होने वाला है, कब होने वाला है, कौन से पोस्ट के लिए एप्लीकेबल होगा, कौन कौन लोग एलिजिबल होंगे, कितने पार्ट्स में एग्जाम होगा, कौन कौन से सब्जेक्ट आने वाले हैं, ईच एंड एवरीथिंग आई विल डिस्कस इन डिटेल हेयर। सो गाइज, सबसे पहले तो मैं ये बता देती हूँ कि काफ़ी टाइम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये बोल रखा था कि सीईटी होगा, मतलब कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जैसे रेलवे, एसएससी, आईबीपीएस अलग अलग संस्थाएं हैं, अलग अलग एग्जाम्स लेते हैं, अभी उन सभी को मर्ज करके एक ही आपके एग्जाम्स होंगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि बैंक के भी फॉर्म भरते हैं, एसएससी के भी फॉर्म डालते हैं और रेलवे के भी फॉर्म डालते हैं, तो आपको अलग अलग सभी के एग्जाम्स नहीं देने पड़ेंगे। अब आप सिर्फ एक एग्जाम दीजिएगा और आप तीनों के लिए एलिजिबल हो जाइएगा। ये जो पोस्ट आया है, आपका जो वैकेंसी आएगी, ये होगा नॉन गैजेटेड पोस्ट के लिए। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस टर्म? सो आपके जो भी लेवल ए और लेवल बी के जो पोस्ट होते हैं, जो कि मैनेजेरियल लेवल के पोस्ट होते हैं, वो सभी आपके आ जाते हैं गैजेटेड पोस्ट में। वो आपका मैनेजर लेवल वाला होता है। तो आप जो नीचे वाले जो पोस्ट आप फिल करेंगे, जो आपका ग्रुप 3 और ग्रुप 4 में आता है, लेवल 3 लेवल 4 में आते हैं, वो आपके कहलाते हैं नॉन गैजेटेड पोस्ट। तो वहाँ के लिए आप लोग का सीईटी एग्ज़ाम होने वाला है, मतलब आप कोई भी मैनेजेरियल पोस्ट के लिए वो एग्ज़ाम नहीं होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, सिलेबस में कुछ कुछ चेंजेस देखे गए हैं, जैसे कि इंग्लिश को हटा दिया गया है, इंग्लिश नहीं होगा, आपका क्वांट्स होगा, आपका रीजनिंग होगा, आपका जनरल साइंस होने वाला है, जनरल एप्टीट्यूड होने वाला है, एंड इसी एग्ज़ाम को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में आपके ये सारे टॉपिक्स आएंगे एंड पार्ट 2 जो होगा वो आपका सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर के होंगे। उसमें आपको कुछ क्वेश्चन दिए होंगे बेसिस ऑन सर्टेन कंडीशन, सर्टेन सिनेरियोज, और आप उस सिनेरियो में कैसे आप बिहेव करते हो या उस सिनेरियो में कैसे आप उसको टैकल करेंगे, उन सभी चीज़ों को देखा जाना है। जैसे कि हम रीजनिंग में, मैं आपको पढ़ाती हूँ, क्रिटिकल रीजनिंग एक ऐसा टॉपिक होता है जहाँ पर आप यही चीज़ पढ़ते हैं, राइट? चाहे आप स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट पढ़ेंगे, कोर्स ऑफ एक्शन पढ़ेंगे, वहाँ पर हमें यही देखने को मिलता है कि आपको एक सिनेरियो दे दिया होता है एंड आपसे ये पूछा जाता है कि आप इस सिचुएशन में आपको क्या लगता है, कौन सा एक सही आर्ग्यूमेंट हो सकता है या एक सही कोर्स ऑफ एक्शन हो सकता है। तो वो टॉपिक आपका यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है। पर याद रखिएगा, ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, आपको यहाँ पर बहुत मार्क्स लाने की ज़रूरत नहीं है, बस सिर्फ पास मार्क्स में आपका काम चल जाएगा। ओके, दूसरी चीज़, कब से ये एग्ज़ाम हो सकता है या कब से होगा? जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा था कि इस साल के एंड तक आपका सीईटी हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। तो आज जो नोटिफिकेशन आई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट पे, उसमें बताया गया है कि आपका अक्टूबर से लेकर के दिसंबर तक का जो मंथ होगा, उस टाइम पर आपका ये सीईटी अप्लाई हो जाएगा एंड देन आगे इसको हम लोग फिर कंटिन्यू करेंगे। तो देखो गाइज, नो डाउट, अगर कुछ भी नया चीज़ आया है तो काफ़ी सारा चीज़ ऐसा भी होगा जो बच्चों को, क्योंकि जो बच्चे बहुत टाइम से पढ़ रहे हैं उनके लिए इन सभी चीज़ों को अडेप्ट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अगर आप 3-4 साल से पढ़ रहे हैं तो आप एक सर्टेन सिलेबस आप यूज टू हो चुके हैं उसको। लेकिन अभी अगर सिलेबस चेंज कर दिया जाएगा जो हो रहा है, तो फिर जो पुराने बच्चे उनको तो अडेप्ट करने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, लेकिन वैसे बच्चे जो अभी नए हैं प्रिपरेशन में, जो पार्ट 2 या पार्ट 3 में हैं, या जिन्होंने अभी अभी ग्रेजुएशन कम्प्लीट करी है, अभी कुछ 3-4 महीने से आपने प्रिपरेशन शुरू करा है, तो आपके लिए एक अच्छा मौका हो सकता है, क्योंकि पुराने वाले बच्चे और आप सब के सब एक सेम लेवल पे आ चुके हो। तो अभी कंपटीशन का लेवल जो होगा वो सेम हो जाएगा, क्योंकि जो अगर पैटर्न चेंज हो रहा है तो ये सभी के लिए होगा। नए बच्चे भी वो सभी चीज़ें पढ़े नहीं हैं जो अब उनको पढ़ना पड़ेगा चेंज होने के बाद। सो यहाँ पर अगर मैं ध्यान दूँ तो जो नए स्टूडेंट हैं, जो नए अभी जुड़े हैं प्रिपरेशन से, उनके लिए तो अच्छी बात है, बट जो पुराने स्टूडेंट हैं वो थोड़ा डीमोटिवेट हो सकते हैं इन सभी बातों से,
क्योंकि आप काफी टाइम से प्रिपेयर कर रहे हो। तो मैं सिर्फ एक ही चीज बोलूंगी, अभी एग्जाम आया नहीं है, अभी अक्टूबर से बातें चल रही हैं, तो एक चीज़ याद रखिएगा, सीईटी जब से बताया गया था काफ़ी पहले से ये बात चल रही थी, बट आते आते इसको काफ़ी टाइम हो गया, 2-3 साल हो गए इसको आते आते, तो अभी भी कुछ नया चीज़ है। तो यहाँ पर एक आपका ट्रायल मोड में चल रहा है, काफ़ी सारी चीज़ जो होंगी वो नई होंगी, काफ़ी सारी चीज़ जो होंगी अभी अगर वो अच्छा नहीं होता है तो फिर आगे उसको चेंज किया जाएगा। मोड ऑफ एग्जामिनेशन भी गवर्नमेंट ने नहीं बताया अभी तक, क्योंकि ये बोला गया कि जितने एप्लीकेशन आएंगे उसके अकॉर्डिंग मोड ऑफ एग्जामिनेशन सोचा जाएगा, तय किया जाएगा। तो आप ये भी नहीं मान के चल सकते हैं अभी हम लोग ऑफलाइन होने वाला है कि ऑनलाइन होने वाला है, तो बहुत सारी चेंजेस हैं। लेकिन हाँ, चेंजेस एक रात में नहीं होगी, अभी तक सिर्फ गवर्नमेंट ने एक एडवाइजरी जारी करी है, अभी क्या क्या पैरामीटर्स होंगे, कैसे बच्चों को तैयार किया जाना है, सिलेबस में बच्चों के क्या क्या ऐड करना है, क्योंकि रेलवे, एसएससी एंड बैंक सबके सबको मिलाकर के एक कंबाइन आपका सिलेबस तैयार किया जाएगा। सो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पुराने स्टूडेंट्स को मैं सिर्फ यही एडवाइस दूंगी गाइस कि अक्टूबर के पहले तक जितने भी एग्ज़ाम्स आपके होने वाले हैं अभी, क्योंकि बच्चे ऑलरेडी अभी थोड़े डिमोटिवेट हो चुके हैं, एसबीआई जे का फॉर्म आया नहीं है अभी तक इसलिए, बट आप अपनी प्रिपरेशन को जारी रखिए, बहुत जल्द ही आपके नोटिफिकेशन आउट हो जाएंगे। एंड कोशिश कीजिएगा कि आप अक्टूबर नवंबर तक आप पहुँचे ही नहीं, उसके पहले ही आपका जितना भी एग्ज़ाम जो भी हो रहा है आप उसमें पास कर जाएँ, ताकि आपको उस फेज़ में नहीं जाना पड़ जाए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, डिमोटिवेट होने वाला कुछ नहीं है, हो सकता है शायद आप जितना डर रहे हैं या हम जितना डर रहे हैं वैसा कुछ ना हो, कुछ अच्छा ही निकल के आ जाए, जिस चीज़ में आप एक्सपर्ट हो कुछ वैसा ही आपको मिल जाए, क्योंकि इंग्लिश बहुत सारे बच्चों का एक वीक पॉइंट है, हमेशा से है। इंडिया के बहुत सारे मेजोरिटी ऑफ द पीपल इंग्लिश में बहुत ज़्यादा वीक, तो अभी उन सारे बच्चों के लिए एक बहुत अच्छा पॉइंट ये हो सकता है कि आपका इंग्लिश हटा दिया गया है। दूसरा, जो आपका लैंग्वेज होगा एग्जाम में, हिंदी और इंग्लिश तो हमेशा से चलते आ रहा था, लेकिन इसमें और भी अदर लैंग्वेजेस ऐड करने की बात गवर्नमेंट ने करी है, तो जो भी बच्चे हिंदी या इंग्लिश कुछ नहीं आती है उनके लिए भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस बार के लिए गाइज। सो आप लोग बस हर चीज़ का पॉजिटिव साइड देखिए, क्योंकि नेगेटिव साइड देखोगे तो आप डिमोटिवेट होगे। हर चीज़ का दो साइड होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, कैसे देखना है, किसको देखना है, ये फुली हम पे डिपेंड करता है। सो आई वुड सजेस्ट रीजनिंग कंटिन्यू रखिए, क्वांट्स कंटिन्यू रखिए, बिल्कुल भी उसको छोड़िएगा नहीं। अगर इंग्लिश हटा है तो क्वांट्स ही एक ऐसा टॉपिक होगा जहां पर बच्चे गलती करेंगे, और आपको अपना वही वाला टॉपिक जो है स्ट्रांग बना लेना है, ताकि एक भी स्टोन आप अनटर्न ना छोड़ दें। इसके अलावा जो भी चेंजेस होगी साइकोलॉजी रिलेटेड, जो भी क्वेश्चन होंगे तो वो सब बच्चों के लिए नए होंगे, तो वहाँ पर आप सब एक लेवल में आ जाओगे, लेकिन क्वांट्स अभी से ही प्रिपरेशन करते हैं तो आप उनसे आगे रह सकते हैं। सो अगर और भी कोई क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं। मैं सिर्फ एक ही बात अगेन रिपीट करूंगी एवरीवन, प्लीज़ डोंट फील डीमोटिवेटेड, जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये सोच करके हर चीज़ का पॉजिटिव साइड देखिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, बाय बाय।